उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार को जिलाधिकारी और 2 SDM पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले अतिरिक्त SDM विनीत कुमार उपाध्याय निलंबित कर दिए गए हैं। 4 घंटे तक अपनी पत्नी के साथ DM आवास पर धरने पर बैठे विनीत कुमार उपाध्याय को शासन ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। विनीत कुमार उपाध्याय का आरोप था कि ADM FR ने उनके खिलाफ एक जांच में गलत रिपोर्ट लगा दी है। इस मामले में उन्होंने प्रतापगढ़ DM रूपेश कुमार और 2 SDM सहित अन्य कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मामला लालगंज इलाके की जमीन पर विद्यालय की मान्यता से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिस जमीन पर विद्यालय होने की बात की गई थी, विद्यालय वहां न होकर दूसरी जगह संचालित हो रहा है। इस मामले की शिकायत आई तो SDM अतिरिक्त विनीत कुमार उपाध्याय ने मामले की जांच की। शिकायत सही पाई गई और उन्होंने जांच रिपोर्ट बनाकर DM को भेज दी, लेकिन फाइल दबा दी गई और शासन को नहीं भेजी गई। इसी बात से नाखुश विनीत कुमार उपाध्याय धरने पर बैठ गए थे। उनका आरोप है कि SDM सदर, ADM फाइनेंस और DM रूपेश कुमार ने मिलकर भ्रष्टाचार किया और जानबूझकर जांच में सहयोग नहीं किया। वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज।